कनाडा को मिल गई भारत से गद्दारी की सजा। पीएम मोदी ने दिखा दिया, भारत से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। 3 दिन भारत के होटल में चपरासी की तरह पड़े रहे कनाडा के पीएम, मोदी ने लगा दी खालिस्तानी ट्रूडो की लंका। जस्टिन ट्रूडो को देना पड़ेगा अपनी ही सरकार से इस्तीफा, कनाडा के लोगों ने कहा हमें चाहिए मोदी जैसा पीएम। जब सारे देश भारत से लौटकर अपने देश पहुंच गए, उसके बाद भी 3 दिन तक कनाडा के प्रधानमंत्री भारत में चपरासी की तरह पड़े रहे। न पीएम मोदी ने भाव दिया और न ही और किसी ने सत्कार किया। खुद को किंग बताने वाले ट्रूडो अपने लिए ऐसा जहाज लेकर भारत आए थे कि वो वापस जाने की हालत में नहीं था। 3 दिन बाद जब भारत से अपने देश कनाडा पहुंचे तो वहां के लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को घेर लिया। कनाडा के लोगों ने कहा ऐसी बेइज्जती इससे पहले हमारी कभी नहीं हुई, इसलिए अब हमें ट्रूडो नहीं बल्कि 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी जैसा पीएम चाहिए। लेकिन ऐसे हालात क्यों बने और ट्रूडो के साथ भारत में ऐसा क्या हुआ, सबसे पहले आपको बताते हैं। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी ने वो कौन सा फैसला लिया है जिसकी वजह से खालिस्तानी कनाडा बिखर जाएगा। पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग रह रहकर उठती रहती है। कनाडा ही खालिस्तानियों का एपी सेंटर है जहां खालिस्तानी पना लेते हैं। कनाडा में सिखों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो सरकार बनाने और गिराने की भी हैसियत रखते हैं। हालात ऐसे हो गए कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कुछ समय से खालिस्तानियों के कब्जे में आ चुके हैं। खालिस्तानी रिमोट की तरह ट्रूडो को इस्तेमाल कर रहे और ट्रूडो वही कर रहे हैं जो खालिस्तानी चाहते हैं। कनाडा के अंदर मंदिरों में हमला होता है, इतना ही नहीं खालिस्तानी भारतीय दूतावास पर भी हमला कर चुके हैं। पीएम मोदी कई बार वार्निंग दे चुके थे लेकिन ट्रूडो को ये बात समझ नहीं आई। लेकिन इसी हफ्ते जब ट्रूडो G20 में शामिल होने के लिए भारत आए तो पीएम मोदी पहले से ही तैयार बैठे थे और इसके बाद मोदी ने ऐसा बदला लिया कि कनाडा के अंदर भी खलबली मच गई। दिल्ली आने के बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं गायब हो गए। बाकी देशों से पीएम मोदी टाइम देकर अच्छी तरह से मिल रहे थे लेकिन ट्रूडो को सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया और उस दौरान भी ट्रूडो को सबके सामने जमकर फटकार लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि कनाडा में पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन उन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। खालिस्तानी समर्थक आपके देश से साजिशें रचते हैं लेकिन आप शांत रहते हैं, आखिर कब तक ये चलेगा, मोदी की बात सुनकर ट्रूडो सुन्न पड़ गए थे। इसके बाद डर के मारे मोदी से ट्रूडो भागते रहे और जब भी मिले बहुत डरे और सहमे से दिखे। जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी की इस तस्वीर को कनाडा के अंदर भी वहां की मीडिया दिखा रही है और वहां पर जस्टिन ट्रूडो की थूथू हो रही है। इस तस्वीर में कनाडा के पीएम ट्रूडो पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित बाकी देश जब डिनर में शामिल हुए उस दौरान भी ट्रूडो शामिल नहीं हुए थे। इसे लेकर कनाडा के पत्रकार भी अपने पीएम की आलोचना कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर वहां पर नहीं शामिल होना था तो फिर दिल्ली गए ही क्यों थे। हद तो तब हो गई जब सारे देश भारत से चले गए लेकिन जस्टिन ट्रूडो का खटारा विमान भारत से उड़ान ही नहीं भर पाया और 3 दिन तक ट्रूडो भारत में चपरासी की तरह पड़े रहे। अब जब अपने देश पहुंचे हैं तो कनाडा के लोग उन्हें घेर कर इस्तीफा मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत जाकर बेइज्जती करवा दी। कनाडा के टेलीविजन नेटवर्क CTV न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, ये शर्मनाक है, एक देश के तौर पर हमारे लिए ये शर्म की बात है। एक प्लेन जिस पर हमारे प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं उसमें खराबी आ गई जो दिखाती है कि हम किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी कई बड़े करार अब कनाडा के साथ खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं और इसे सीधे तौर पर कनाडा से बदले के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी ऐसे ही सबक सिखाया था। अब खालिस्तान का समर्थन करने वाले ट्रूडो को पीएम मोदी ने बता दिया है कि भारत से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले कनाडा के पीएम ट्रूडो को सबक सिखाकर क्या पीएम मोदी ने सही किया? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।